डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। हसनापुर के पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा है कि देश कानून के हिसाब से चलता है, पक्षपातपूर्ण रवैये से नहीं। उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि भाजपा प्रत्याशी अरुण गोयल के वॉइस मैसेज मतदान के दिन भी मोबाइल पर सुनाई देते रहे। यदि मुकदमा ही दर्ज होना है तो अरुण गोयल पर भी होना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा की जीत का दावा किया। बकौल योगेश वर्मा, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ पल्लवपुरम थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन वह इस तरह के मुकदमों से घबराने वाले नहीं हैं। उन मुकदमों से संबंधित समन की जानकारी योगेश वर्मा को आज मिलने पर वह अपने अधिवक्ता के साथ कचहरी पहुंचे थे। देखिए क्या कहा पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने। योगेश जी, आज कोर्ट में आना हुआ है, काफी तीखी नोक झोंक भी रही चुनाव के दौरान, तो आज क्या कहेंगे? ये 2022 में आचार संहिता के मुकदमे हैं। 3 मुकदमों का सम्मन हम पे परसों आया, जिनकी हमें जानकारी नहीं थी, तो उनमें बेल कराने आए हैं। बाकी सरकार है, मुकदमे लगा सकती है। आपने कटाक्ष भी लिए हैं सरकार के ऊपर, अरुण गोविल के ऊपर भी कटाक्ष? हाँ, अरुण गोविल जी चुनाव वाले दिन जिस दिन वोट पड़ रही थी उस दिन अपील कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे कि भाई इस तरीके से मुझे वोट दे। तो इस तरीके से उन पे तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और हमारे पे और हमारी मिसिज पे एक मुकदमा दर्ज कर दिया जो फर्जी मुकदमा है। दूसरा ये 2022 के मुकदमे जिसमें हम बेल कराने आए हैं, 3 मुकदमे हैं उनमें बेल कराने आए हैं, बाकी कोई मुकदमे नहीं थे हम पे। ये अचानक पता नहीं कहाँ से निकल गया। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुई थी चुनाव के दौरान जिसमें कहा गया था कि दबाव बनाया जा रहा है योगेश वर्मा की ओर से, क्या था वो? दबाव की तो कोशिश की गई है, लेकिन दबाव मानने वाला थोड़ी है योगेश वर्मा। दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब संविधान से चलता है देश, कानून के हिसाब से चलता है। दबाव में नहीं आने वाले हम, और हम मुस्तैदी से अपने वहाँ पे काउंटिंग भी कराएंगे। और पूरा मेरे, मैं आपको बता दूँ, पूरा मेरठ आवाम जिन्होंने वोट डाली है, जो EVM मशीनों में अंदर वोट बंद है, वो तमाम लोग जो हैं वहाँ पहुँचेंगे, और क्या नाम है, मुस्तैदी से बढ़िया तरीके से काउंटिंग कराएंगे, और जीत निश्चित है। ऊपर प्रशासन पे भी आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि वो किसी और के पक्ष में काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये कहा है कि मुकदमा उन पे भी दर्ज होना चाहिए था, लेकिन उन पे दर्ज नहीं हुआ है। हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, वो गलत है। दो बराबर नापना चाहिए, संविधान से चलता है देश, और कानून सबके लिए बराबर है, संविधान में सबके लिए बराबर के हक दिए हैं। तो इसलिए वो उनको जो है, जब मुकदमा सुनीता वर्मा योगेश वर्मा पे यानी हम पे हो गया है, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जबकि उन्होंने वोट की अपील की वोट वाले दिन। तो अब आप कुछ करने जा रहे हैं? हाँ, हम भी कोर्ट में डालेंगे उनके खिलाफ। भाई, वो उनको क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? बाकी EVM की मशीन जहाँ हमारी रखी है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता मशीनों के बाहर जहाँ उन्होंने व्यवस्था की है बैठने की, वहाँ पे बैठे हैं, और पूरी मुस्तैदी के साथ हम कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, बस इतना कहना चाहते हैं। कोई गड़बड़ी का अंदेशा नज़र आ रहा है? गड़बड़ी का अंदेशा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन वगैरह जो भी है अभी तक तो ठीक है। बाकी देखते हैं, सरकार का मामला है, और हमारे सारे लोग जो है मजबूती से हैं, हम एक एक वोट के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होने देंगे। जानबूझ के आप पे दबाव बनाया जा रहा है? जानबूझ के दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं जमानत करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दबाव से हम डरते नहीं किसी बात से। हमारा एक एक कार्यकर्ता योगेश वर्मा है, इसलिए कोई डरने वाला बात नहीं है। पूरा मेरठ जिला वहाँ पे मुस्तैद होगा, और एक एक कार्यकर्ता योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा बनके वहाँ काउंटिंग कराएगा।